गुड मॉर्निंग गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। आज है करवा चौथ का दिन। करवा चौथ एक व्रत होता है जो मैरिड लेडीज अपने हस्बैंड की लंबी उम्र के लिए रखते हैं। जनरली ये व्रत सिर्फ लेडीज रखती हैं, बट हमारे घर में ये व्रत विक्रांत भी रखते हैं। तो आज हम दोनों शाम तक खाना और पानी दोनों बिल्कुल नहीं लेने वाले हैं। एंड इट्स गोना बी अ वेरी लॉन्ग डे बिकॉज सोच सोच के मेरे को प्यास लगनी शुरू हो गई है और अभी तो दिन शुरू ही हुआ है। क्या बना रही थी? कौन है चकोर? नहीं 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 जनरली सुबह सुबह उठ के मैं यहाँ पर एक्टिव योगा एक्सरसाइज वगैरह करती हूँ, बट आज क्योंकि मुझे थोड़ी सी एनर्जी कंजर्व करनी है इसलिए मैं एक लाइट मेडिटेशन के साथ आज के दिन को शुरू कर रही हूँ। To start, find a comfortable position and close your eyes. Namaste and good morning. अब नीचे चल के देखते हैं क्या हो रहा है। गुड मॉर्निंग दादी जी। गुड मॉर्निंग बेटी। क्या कर रहे हो? दवा पी ये। गुड मॉर्निंग। आज क्या बन रहा है? खाजे बन रहे हैं। खाजा क्या होता है? खाजे करवा चौथ में देते हैं ना सासू जी को। मुझे भी कुछ भी याद नहीं है गाइस, लेकिन मम्मा ने अभी भी मुझे बताया पिछले साल भी हमने खाजे बनाए थे जो बेसिकली पतली पतली पूड़ियाँ होती हैं और ऐसे ट्रेडिशन होता है कि अपनी सास के लिए बनाया जाता है। तो मम्मी दादी जी के लिए बना रही है और मैं मम्मी के लिए बनाऊंगी। ये देखो इतने छोटे छोटे आटे लोई हैं, आटे की इनकी छोटी छोटी पूड़ियाँ बनेंगी। ये देखो इतनी पतली पतली छोटी छोटी ऐसी बनती है, ऑलमोस्ट ट्रांसपेरेंट है ये पूड़ी। क्या बोल रहे हो? क्या बना रही थी? कौन है चकोर? हैं गाइस ऑलमोस्ट गोल है ये। कहां से गोल दिख रहा है ये? हैं गाइस मेरी जॉब ले ली गई है, मम्मी ने बोला अच्छी नहीं बन रही है तो आप आंटी बनाएंगी। प्रैक्टिस करो इसको बनाने की तब होगा। ले लो। आंटी तो प्रो निकली गाइस, मेरी उसी पूड़ी को उन्होंने गोल बना दिया है। गाइस ये वाली मैंने बनाई है और ये भी, पर वो भी मेरी है। क्यों मेरी है ना वो? गाइस करवा चौथ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि सब मेहंदी लगाते हैं। मैंने डिसाइड किया है कि सिक्का लगाऊंगी और टिप्स करूंगी सिर्फ, वो बहुत प्रिटी लगती है। वन टाइम भी बचता है, समय चला है मेहंदी लगाने का। गोल करना मेरी स्पेशलिटी नहीं है। वाह गाइस क्या मज़ा आया आज मेहंदी लगाने में। 2-3 मिनट में मेहंदी डन और पैसे भी बचा लिए। चरा डन टेन। सुपर निकली। गाइस इसी के साथ आज का सेकंड टास्क सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया है, अब इसको फटाफट सुखाएंगे। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। खाना खा रहे हो? भैया अपन तो नादो के तैयार हो गए। लंच टाइम। लंच नहीं आज, डिनर है? होगा। करवा चौथ चल रहा है, डिनर होगा डायरेक्टली। और हमारा लंच? अगर लंच खाया ना तो मैं खाना खा लूंगी, देख लेना। लंच खाना है? हाँ। नहीं मत खाना, आज नहीं खाना कुछ भी। हाँ, सही है। कुछ तो कनेक्शन है। मैं तो खाऊंगा। मैं कुछ कुछ हो रहा है मेरे को। कितनी सुपर पावर दी है ना आज के दिन मेरे को। नहीं 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 आउट हो गई यार, ऐसे नहीं करते। नहीं गटकना मत। नहीं भैया पानी पी ली थी तो सोचो तुम्हारा क्या होता। मम्मी पल्लवी ने तो पानी मुंह में भर लिया था, उसके रूल तोड़ दिया गया। पर पिया नहीं मैंने। पर तो रूल होता क्या है? कुछ भी नहीं होता। रूल कुछ भी नहीं होता, जो मान लो वो रूल है, जो नहीं मानो वो रूल नहीं है। हाँ करने वाले तो चाय वाय भी पीते हैं, फ्रूट्स भी खाते हैं। और क्या हटाओ। तो गाइस करवा चौथ पे बोलते हैं कि वाइफ को खाना पीना नहीं होता है, उसका व्रत रहता है, उससे हस्बैंड की हेल्थ वेल्थ सही रहती है। वेल्थ नहीं सिर्फ हेल्थ, पैसे नहीं आने। वेल्थ भी सही रहेगी, हेल्थ सही रहेगी तो। गाइज मेरा व्लॉग एडिट हो गया है, रेंडर पे लगा दिया है। ये चित्तौड़गढ़ वाला व्लॉग है और रेंडरिंग टाइम बता रहे 2 घंटे लगेंगे। चाय पियोगी? पियूंगी। गाइज अटक गया ही तो हैंग हो गया अभी से, कोई बटन काम नहीं कर रहा है। Thank you.
बस तो चाय वाय पी ली और अभी तक 9% ही हुआ है यार, ये बहुत ही स्लो चल रही है रेंडरिंग आज। गाइस हम आए सब्जी मंडी सब्जी लेने के लिए, यहाँ बहुत भीड़ भाड़ है आज, आज शुक्रवार हाट है, बहुत भीड़ है यहाँ। गाइस हम लोग आ गए 12 की सब्जी मंडी में और आज यहाँ पे फ्राइडे की हाट लगी हुई है तो भयंकर भीड़ है। क्या ले लिया? गोभी ली है। मेथी ले लो 20 की पाव। गाइस शाम के 6 बज रहे हैं एंड नहा धो के हम लोग तैयार हो चुके हैं, अब शाम के खाने की तैयारी शुरू हो गई है। सब्जी में क्या बनाए मम्मी? गोभी आलू। और दादी जी आप क्या कर रहे हो? मैं ककड़ी और मूली छील रही हूँ सलाद को। तो भाई गाइस मूली आने लग गई है, सर्दी आ चुकी है। अच्छी है, नरम बढ़िया। ये वो खाजे हैं जो सुबह हम बना रहे थे, ये मम्मा ने तल के रेडी कर दिए। ये खजूर हैं, आज हम खजूर की खीर बनाएंगे। अच्छा मम्मी बताओ किस चीज से शुरू करूं? पहले तुम तैयार हो। तो तैयार तो लास्ट में होंगे, फिर पसीने आ जाते हैं। पसीने आ जाते हैं। ये बन गई हमारी आलू गोभी की सब्जी, बढ़िया चटपटी खुशबू आ रही है। यहाँ पे हमारी खीर तैयार हो चुकी है। आ हा 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 भाई, ये लास्ट की पूड़ियों में तेल की बचत चलती है तो ये बेचारी बड़ी मुश्किल से फूलती है। ये तो फूल गई, करारी हो गई। पूरे डिनर की प्रेपरेशन पूरी हो गई है और टाइम हो रहा है 7:15। अब हम फटाफट से एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट काम करेंगे जिसको है बोलते हैं नेल पेंट लगाना। बताओ कलर। रेड। कौन सा रेड? ये भी रेड है, ये भी रेड है, कोई सा भी लगा लो। गाइस जल्दी बताओ ये वाला है ये वाला? गाइस हम लोग तैयार होके पूजा के लिए बैठ गए हैं। अभी किसी भी वक्त चांद दिख सकता है, जगह जगह न्यूज में आ रहा है कि चांद दिखना शुरू हो गया है। हेलो गाइस, करवा चौथ की शुभकामनाएं सभी को। हम लोगों ने सुबह से निर्जला व्रत रखा है और अब शाम हो गई है, हम लोगों ने खाना वगैरह तैयार कर लिया है, पूजा की तैयारी कर ली है। अब पूजा करेंगे, फिर चंद्रमा उदय होएगा, चंद्रमा को अर्घ देंगे। कैसा लग रहा है पल्लू? मुझे तो बड़ी एक्साइटमेंट हो रही, प्यास लग रही है जोर की। न्यूज में आ रहा है कि जगह जगह चांद निकल गया, तो जल्दी जल्दी करते हैं श्रद्धा से। कहानी सुना रही हो? हाँ। सुनाओ। कार्तिक बदी चौथ को करवा चौथ कहते हैं। एक भाई वट वृक्ष पर चढ़कर छलनी में से दीपक दिखाकर बहन से कहता है कि चौथ माता की जय। गाइस ये चौथ माता का पूजा का पाना है जिसके अंदर चौथ की कथा होती है और इसमें से पढ़ के पूरी कथा कही जाती है। जी जी मम्मी, करवा चौथ तो बाद में। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। जो चाहिए सब मिले। थैंक यू, आपने मुझे इतने अच्छे हस्बैंड दिए। चलो चांद को ढूंढने चले। चांद की खोज पे। 8:30 हो गया, निकल गए होगा चांद तो। चलो 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 चलो, पानी पीने का टाइम। दिख गया? अरे बताओ बताओ बताओ। कुछ नहीं बताओ। कोई क्या कह रहे थे उसका? कुछ नहीं कह रहा। गाइस पापा बोल रहे हैं कि यहाँ एक ट्यूबलाइट लगा लेंगे। नहीं नहीं नहीं, उजाला हो जाएगा उससे। पापा कह रहे हैं इधर तो देखो। पापा कह रहे हैं तो पीछे देखो। गाइस जल अर्पित करने के बाद और जब पूरी पूजा वूजा हो जाती है उसके बाद में छलनी के अंदर दिया रख के चांद देखते हैं और फिर उसी से हस्बैंड को देखते हैं। गाइस आज का सबसे इम्पोर्टेंट काम करने का टाइम आ गया मेरा, ऐसे चुपचाप खड़े रहना है जब मेरे को देखा जाएगा। वाह वाह क्या बात है,
दिन दिन भर हो गया आज पूरा दिन अच्छा लग रहा है ना पानी पी के बहुत मीठा पानी दोस्तों डिनर का टाइम हो गया है और आज खाने में बना है पूड़ी गोभी की सब्जी मिर्ची का अचार और ये है खीर। गाइस करवा चौथ की पूजा वूजा खत्म करके हम लोग आ गए हैं ऊपर। इतने थक गए हैं ना, समझ नहीं आ रहा कि कम खाया इसलिए थक गए या ज़्यादा खा लिया इसलिए थक गए, बट थक गए। अब सोएंगे आराम से। और विक्रांत अभी तक जिंदा है, ये इस चीज़ का प्रूफ है कि मैंने दोपहर में पानी नहीं पिया था। तो उसका असर ऐसे नहीं है कि अगर आज करवा चौथ का व्रत और आज तुमने पानी पी लिया तो मैं तुरंत ही टाइम नहीं। गाइस इसको कुछ हो गया तो वो मेरे ऊपर नहीं है, मैंने नहीं पिया था, ही इज अलाइव, सबने देख लिया है। ऑलराइट गाइस, तो इसी के साथ आज के व्लॉग को यहीं क्लोज करते हैं। आई होप आपको पसंद आया और अच्छा लगा तो प्लीज यार कमेंट करना, हम लोग सारे कमेंट पढ़ते हैं, बहुत अच्छा लगता है, बहुत मोटिवेशन मिलता है हम लोग को। दैट इज ट्रू। और अपन मिलेंगे कल अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, गुड नाइट, बाय। और आप करवा चौथ का व्रत कैसे रखते हो ये भी बताना, क्योंकि सबका अलग होता है। पानी पी सकते हैं राइट?